इस वक्त हम मौजूद हैं मणिपुर। पिछले 3 महीनों से लगातार जिस तरीके से मणिपुर हिंसा की आग में और हिंसा के लपटों में जल रहा है, रात के 1:15 में हमको हमला किया और गोली लग गए, तो हाथ में भी लगा है, पैर में भी लगा है, बहुत सारे लगा है, मतलब कि वो लोग का सता गोली है, बहुत ज़्यादा है, अभी भी 3 गोली नहीं निकाला है। तो हम बताना चाहते जितना भी इजराइल में है, भाई बहन दीदी लोग सब लोग होने से हमको सिर्फ आप लोग मणिपुर के लिए, मणिपुर का गांव में रहने के लिए हम लोग की इतना क्यों तकलीफ हो रहा है। हाँ, हम लोग मणिपुर है, लेकिन मणिपुर में बैठने के लिए मना क्यों है? अपना घर छोड़ने के लिए, अभी जलाने के लिए हम लोग को भगा देने के, ये क्या है, ये क्या तरीका है? एक रात में ऐसा हम लोग को निकाल दिया है वहाँ से। हमारा गांव में बहुत घर जला दिया है, कम से कम 10-15 जैसा जला दिया। इसका मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका.com। इस वक्त हम मौजूद हैं मणिपुर में और मणिपुर के मैतई कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला ये मणिपुर का आखिरी छोर यानी इम्फाल वेस्ट का सिंगदा गाँव है। यहाँ पर जो कुकी और जो मैथी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जो रहते हैं उनके गांव का जो डिफरेंस है वो मात्र 30 मीटर के आसपास है। और हम जो हिंसा का जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो इस गांव पे ये है कि लगभग 796 यानी लगभग 800 की आबादी वाला गांव में 200 के आसपास जो लोग हैं वो अभी जो बाहर रह रहे थे, लेकिन 500 जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन पर डायरेक्टली अफेक्ट पड़ा है। और इसका असर ये है कि लोग यहाँ पर अपने मतलब बंकरों से जो है गांव की रक्षा कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो बंकर है यहाँ पे लगभग जो है ऐसे ही 10 बंकर बने हुए हैं और 6-6 की संख्या में 6-6 के ग्रुप्स में जो यहाँ के लोग हैं वहाँ के जो है रक्षा करते हैं, यहाँ पे बंकरों में आकर के जो है रहते हैं। और आप देख सकते हैं जो कुकी यानी सिंगदा कुकी जो विलेज है उसका जो रास्ता है इसी रास्ते से होकर के जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये सिंगदा कुकी विलेज है जो पहाड़ी एरिया पे मौजूद है, ये हिल एरिया पे है, तो ये रास्ता जाता है और यहाँ पे बंकर बनाए गए हैं, यानी यहाँ से नो एंट्री और नो एग्जिट है दोनों कम्युनिटी के लोगों के लिए। मैतई कम्युनिटी के लोग यहाँ से ना ऊपर जा सकते हैं ना कुकी कम्युनिटी के लोग ऊपर से जो है नीचे आ सकते हैं। जो हमने यहाँ के लोगों से बातें करी हैं, यहाँ के लोगों को जो दर्द है तीन महीने से जो जिस दर्द को जिस दंश को जो है झेल रहे हैं, हम उसके बारे में बातें करी हैं और गाँव वाले कैसे इसको जो पूरा सफ़र कर रहे हैं, हम इस पूरी घटना को आपके सामने जो है लाने जा रहे हैं, इस पूरी वास्तविकता को और पूरे घटनाक्रम लोगों के जो लाइफ है जो यहाँ के रिलीफ कैंप है उसको नज़दीक से देखने के लिए आप बन रही है राजस्थान पत्रिका के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं मणिपुर के इम्फाल के शहर में, यानी इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है और इम्फाल का ये सिंगदा गांव है। सिंगदा गांव जो है इम्फाल वेस्ट का आखिरी गाँव है जो मैतई कम्युनिटी का है। इसके बगल में जो पहाड़ी है वहाँ पर जो कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और ठीक इसके पीछे जो दूसरा शहर जो है लग जाता है। लेकिन पिछले 3 महीनों से लगातार जिस तरीके से मणिपुर हिंसा की आग में और हिंसा के लपटों में जल रहा है, उसका जो अवशेष है, उसका जो उसकी जो प्रूफ है, उसकी जो कहते हैं ना कि उसके पीछे जो ताकतें हैं उसका सबूत आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और कैसे यहाँ का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है, कैसे जो यहाँ के लोग हैं वो जो है प्रभावित हुए हैं, अगर आपको जीता जागता सबूत चाहिए, अगर आपको उसका पूरा प्रमाण देखना है तो आप एक बार मणिपुर जरूर आइए और यहाँ के लोग जो जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं उसको आप काफ़ी जो है नज़दीक से देख पा रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगदा गांव के एन बॉबी सिंह जो यहाँ के पहले भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं इस गांव के, अभी जो फिलहाल में भूतपूर्व सरपंच हैं, और ये अपने गांव के में जो है बचाव के लिए इन लोगों ने जो है यहाँ पे बंकर बनाए हुए हैं। सिंगदा गाँव के बचाव के लिए कुल पहले 12 बंकर बनाए गए थे इस तरीके से छोटे बड़े, और अब जब BSF और जब पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो गई है उसके बाद फिलहाल में 10 बंकर जो है मौजूद हैं। बगल में असम राइफल्स का कैंप भी है। तो इन बॉबी सिंह बताएंगे कि इस पूरे गांव का पहले क्या माहौल था, यानी 3 मई से पहले जब यहां हिंसा शुरू हुई तो कुकी और मैतई कम्युनिटी के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे, उसके बाद जब हिंसा भड़कनी शुरू हुई तो कैसे बदलाव आया यहां के माहौल में, यहां की हवा में, यहां के रंग रूप में और इन दोनों कम्युनिटी के जो है रिश्तों में। तो एम बॉबी सिंह जी बताइए कि इस पूरे गांव की पहले आबादी कितनी है, कितने लोग रहते हैं और आप लोग जो है यहां तक जो है नौबत कैसे आ पड़ी?
नमस्कार, मैं एन बॉबी सिंह। जो यहाँ का हमारा ये सिंगा गांव का है, तो ये इम्फाल से 16 किलोमीटर जाके यहाँ पे सिंगा धाम बोल के एक गांव है। ये वन ऑफ द मोस्ट लास्ट बॉर्डर इन इम्फाल वेस्ट। इसमें जो हम लोग हाउस होल्ड 165 हाउस होल्ड होता है और टोटल पॉपुलेशन 675 होता है। इसमें जो पहला से हम लोग का जो 3 तारीख का शुरू हुआ, इसमें जो हम लोग का मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट एक होता है वो लोग का फोकस, मतलब जो एनडीए ये बीजेपी गवर्नमेंट आने का समय में हम लोग का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ये हम लोग का स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन का एक फोकस था, क्योंकि वार ऑन ड्रग्स में एक होता है। क्योंकि वार ऑन ड्रग्स में इसमें जो हमारा जो हम लोग का मणिपुर का सीएम श्री एन बीरेन ने जो वार ऑन ड्रग को मिटाना चाहता है, जो मिटाना चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे मेन चीज उसका एक कदम है, जो बीजेपी गवर्नमेंट का भी कदम है वो ड्रग को पूरा मिटाना है बोल के। हर स्टेट में, हर जगह पे, ऑल इंडिया में जो जितना ड्रग पकड़ता है, कहाँ से पकड़ता है बोलने से भी ये मणिपुर, ये म्यांमार बॉर्डर और ये ऐसे बोलता है। इसलिए जो ऑनरेबल सीएम जो नया आ गया, हम लोग को 5 साल चला गया और सेकेंड 0.2 ये गवर्नमेंट आने के समय में ये गवर्नमेंट का ये फोकस ये ड्रग को मिटाना चाहता है। इसमें ये चौरसानपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे मेन चीज हुआ था ये पॉपी प्लांटेशन ज़्यादा हुआ था, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो वो लोग का फोकस क्या है, ड्रग्स के पुस्तक। हाँ हाँ, इसमें जो वो लोग ने जो बड़ा बड़ा ये फॉरेस्ट को, जंगल को काट के आग जलाता है और उसका बाद ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जगह पे और फॉरेस्ट रिजर्व को सब वो लोग ने काट काट के वो लोग ने पॉपी प्लांटेशन हुआ था। इसलिए कुकी का एक कुकी मिलिटेंट लोग का एक बड़ा वो लोग का रिसोर्स ये मणिपुर गवर्नमेंट ने हम लोग को पूरा मिटा दिया, मतलब गुम हो गया बोल के वो लोग ने गुस्सा होकर वजह से वो लोग ने ये चौरसानपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 तारीख को वो लोग का एक बड़ा रैली हुआ था। इसी समय में वो लोग का बड़ा रैली में वो लोग ने खुलम खुलम करके वो लोग ने फिर ये वो लोग का कुकी मिलिटेंट को M16 हथियार पकड़ के और AK-47 पकड़ के मास रैली में क्यों इंजॉय करना है वो लोग को। पीस रैली होगा तो हमारा हर जगह पे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट हो, कामपोपी डिस्ट्रिक्ट हो, चौरसानपुर डिस्ट्रिक्ट, वो लोग सब जा रहा है, लेकिन चौरसानपुर में क्यों खतना क्यों हुआ। ये पीस रैली होने का बाद ये वो लोग ने जो उसी समय हम लोग का जगह पे मणिपुर में जो इंटरनेट मिला था, सभी ने सभी को पता हो, मालूम हो गया, क्योंकि रैली के समय में वो लोग ने M16 और ये AK-47 पकड़ के वो लोग रैली क्यों जाना है, हम लोग ने ये पब्लिक है बोल के हम लोग पूछना चाहते हैं कुकी लोग को। अच्छा, हमें बताइए कि जब हिंसा यहाँ पे जो है शुरू नहीं हुई थी, तो उस समय आप लोगों के आपसे रिलेशनशिप कैसे थे? हम लोग का यहाँ पे हमारा बगल वाला ये कुकी कम्युनिटी, हम लोग जो ओनली 30 फीट का डिस्टेंस है, हम लोग ये पहला से हम लोग 40 साल ये 50 साल का ये पहले हम लोग ने पूरा मिलजुल करके हम लोग प्यार से हम लोग रहता है, क्योंकि वो लोग का कमी होने से भी हम लोग से भी पूछता है, हम लोग का कमी होने से भी वो लोग पूरा भाई तरह ऐसे ये कुकी है ये मैते है बोल के हम लोग ऐसे बात करके हम लोग नहीं रहता है, पूरा मिलजुल हम लोग प्यार से रहता है। फिर भी अचानक वहाँ से चौरसानपुर में 3 तारीख को जो रैली होने ख़त्म होने का बाद में हम लोग का मैते ही कम्युनिटी का आग जलना शुरू हो गया और ये हम लोग का पिताई शुरू, मारपीट शुरू, मर्डर हो गया था। इसी समय से भी हम लोग कहीं से कहीं वो लोग ने हर जगह में अपना अपना जीने के लिए कहीं कहीं भाग चुका है। हम 1:15 में हमको हमला किया था, हम तारीख कितने थे? वो 24 तारीख मई में। अच्छा, यानी अभी हिंसा शुरू हुए 20 दिन ही हुए थे। हाँ हाँ, जो उस दिन हम गांव का देखभाल कर रहा था, हम ड्यूटी कर रहा था, तब अचानक से हमको 1:15 में हमको हमला किया और गोली लग गया। तो कितनी गोली लगी थी, कहाँ में गोली लगी? गोली तो हाथ में भी लगा है, पैर में भी लगा है, बहुत सारे लगा है, मतलब कि वो लोग का स्वतः स्वतः गोली है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भी 3 गोली नहीं निकाला है। अच्छा, अभी 3 गोली निकली नहीं है? हाँ, अभी निकाला नहीं है, अभी वो निकालने से हमारा पैर को थोड़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो भी बाद में निकालेगा। तो आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे? अभी एडमिट नहीं है, अभी डिस्चार्ज हो गया है। कितने दिन पहले डिस्चार्ज हुआ? अभी हम 4 दिन हो गए, 2 महीना तो हम हॉस्पिटल में। तो एज क्या है आपको? 32 जैसा हो। 32, शादी हो गई है? हाँ हो गया। बच्चे हैं? हो है। छोटे? एक बच्चा है, एक लड़का है। कितने साल का? 11 साल का। तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे इससे पहले की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो क्या सरकारें की भूमिका इस पूरे हिंसा को रोकने के पक्ष में है, या फिर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पक्ष को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं?
क्या कर रहा है पता नहीं सरकार का। हम तो हमारे से तो हमको आशा से रखने के लिए सरकार की तरफ से कर लीजिए, हमारे बस्ती को आशा से पहले के जैसा होने दीजिए। देखो अभी हम काम करके खाता है, हम काम भी नहीं कर रहा है, तो पैर भी टूट गया है तो काम कैसे करेगा, और काम भी नहीं चल रहा है, बचा भी है कहाँ से खाना खाएगा, बचा कौन देखभाल करेगा। और अभी हमारा बस्ती का गांव का भाई बहन दोस्त लोग भी अभी कहाँ से खाना खाएगा, मतलब काम भी नहीं चल रहा है, गांव के लिए देखभाल कर रहा है सब के सब। तो अभी हम सरकार से हम मांग रहा है कि पहले के जैसा, हाँ पहले के जैसा होने दीजिए, ये झगड़ा झगड़ी बंद कर दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग? वो तो हम दोनों, वो तो हम कह नहीं सकते है, मतलब कि शुरुआत तो कुकी ने हम लोग को हमला किया है, तो हम लोग का मैते बहुत मर गया है और बहुत नुकसान पड़ गया है, घर भी आग लगा दिया है बहुत के बहुत। तो हमारे तरफ से तो कुकी ने हम लोग को पहले इतने किया है, मारपीट उस लोगों ने पहले किया है, घर में आग लगा दिया है, सब के सब वो लोग किया है कुकी ने। तो कुछ महिलाएं और माताएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके साथ जो है क्या हुआ था उस हादसे वाली रात के बारे में, अपने घर को याद करके उनको जो है कैसा लगता है, जो उनके बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल जाने की उम्र में वो जो है रिलीफ कैंप में जो है खेल कूद कर अपना बचपना काट रहे हैं, जो पूरा जो दुख है जो दर्द है ना, जिसका घर जलता है, जो घर से बेघर होता है, उससे बेहतर न कोई समझ सकता है और न कोई समझा सकता है। तो इस कड़ी में हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अंजलि और मैं कालापहाड़ से हूँ। और हम लोग जिस दिन 3 तारीख को दिन जो था उस दिन में मतलब बंद हुआ था 3 मई को, हाँ हाँ, और वो लोग का भी रैली था। तो 3 तारीख को जब हम लोग कल 4 तारीख के खोलेंगे, हम लोग भी दुकान था, हम लोग सब बिजनेस करने वाला आदमी है, छोटा छोटा मोटा और दुकान करके बैठा था। और वहाँ पर क्या हुआ उस दिन से शुरू हुआ कि हम लोग को मणिपुर बोलने का मना है, मणिपुर बोलने के लिए नहीं दिया, बोलना है तो अपना भाषा बोलो। तो अरे हम लोग तो मणिपुर में है तो हम लोग का भाषा क्यों नहीं बोले? अब आप तो कुछ खाने के लिए मांगेंगे तब भी आप मणिपुरी बोलेंगे ना सर, हम ये बोला। ये बोलने से उन लोग बोला कि आज से मणिपुरी बंद करो बोलने के लिए, बोला कोकी लोग बोला। तो उस दिन में से ऐसा शुरू होता, हम लोग को तो थोड़ा घबराहट तो हुआ था, पर फिर भी ऐसा तो इतना ज़्यादा हंगामा होगा, ये मारपीट होगा, घर जलाना होगा, ये होगा, बल्कि हम लोग का ध्यान भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। और उस दिन जब रात को 10:30 होगा शायद, ये तारीख को 3 तारीख रात को जब हम लोग अब कल से दुकान खोलेंगे शायद, बल्कि हम लोग सब रेडी उडी कर रहा था और सब ख़त्म करके खाना खाने का जो समय हुआ है, खाना जो खा रहे थे वो खाना छोड़ के जैसे कि आवाज़ आया गाड़ी जलाने का और क्या क्या हिलाया ऐसा हुआ, वो लोग जो आवाज़ दे रहे थे जैसे कि वो लोग का थोड़ा भाषा तो मैं भी थोड़ा मुड़ा तो जानती हूँ, तो सुनाई देने से हम लोग क्या हुआ जाके जब देखा तो सब घर जला रहा है, हम लोग क्या करें? सबको उसी टाइम में सबका दिमाग नहीं आया हम लोग का बच्चा कहाँ है, बस यही ख्याल आया। हम लोग बच्चा जब निकल के लेके जा रहे थे नगाका बस्ती में, तो उन लोग ने हम लोग का मतलब उन लोग के रहने के लिए जगह दे दिया नगाका बस्ती के लोगों ने, नगाका बस्ती में। और उसी जगह में से मणिपुर पुलिस और आर्मी आया, आके हम लोग का पिकअप करके उधर सेनापति का उस तरफ ले गया और लेके फिर बाद में 4 तारीख के फिर दिन में हम लोग को रिलीफ कैंप में लाके छोड़ दिया है। तब से हम लोग रिलीफ कैंप में है। अभी जो हम लोग यहाँ पे फौज की तरह हम लोग जैसे खाना वो लोग को दे रहे उसी तरह हम लोग सब खा रहे, अभी जैसे अपना घर में था वो अभी नहीं था, जितना भी हम लोग का था अभी हम जेरो में है, जितना कमाया था वहाँ पर सब जला दिया, घर जला दिया, किसी का गाड़ी जला, किसी का पैसा वो लूटपाट करके सब ले गया, उसका बाद में वो लोग जला दिया है। ये तो किसी दूसरा का पास में वीडियो वगैरह भी होगा शायद, होगा भी और था भी, मतलब किसी दूसरा का मैं ब्लूटूथ से क्या, अब नेट तो नहीं चलता था, ब्लूटूथ से सेंड करके दे दिया है, कोई ड्रोन लेके रखा हुआ है वो लोग, तो बाद में ये तो दिखाएगा, अभी फिलहाल नहीं दिखा पा रहा है कि वो लोग भी मजबूर है डर की वजह से, और हम लोग भी डर है। अभी यहाँ पर हम लोग जो बैठा है, हम लोग फिर वहाँ पर फिर वापस कब हम लोग को भेजे तो हम लोग को तो जरूर हम लोग तो मरेंगे, ये तो लिखा हुआ है, वो लोग लिख के रखा है हम लोग का नंबर, जो 1 नंबर में ये 2 नंबर करके वो लिख के रखा है, ये तो कभी खबर भी मिल रहा है हम लोग का। याद करते करते हम लोग को रात में नींद नहीं आती है, उधर में से जितना भी हम लोग था वो सब खत्म,
अब हम क्या करें, बस हम लोग का कुछ नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि मर जाने से अच्छा है, ऐसे हम लोग सोचते हैं, तो क्या करूँ, तो मर भी नहीं सकती हूँ जीने के लिए भी। अभी कब सरकार ने हम लोग कब क्या करेंगे, कैसे हिसाब में रखेंगे, वो भी सोच रहे हो। बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, ये भी सोचती हूँ। बहुत दुख है, लेकिन जितना इंडिया में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में, मुंबई में, ये सब जो हिंदू नारी लोग हैं, हम लोग का हिंदू नारी लोग को हम आप लोग से समझ के मदद कीजिए प्लीज़। हम इतना आप लोग से रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि हम लोग भी बहुत दुख, मैं भी पहला गुड़गांव में रहती थी और वहाँ पर भी हम लोग का फ्रेंड्स होगा कोई देखने से, हम लोग को मदद कीजिएगा प्लीज़। अभी तक मैं कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, कॉन्टेक्ट करना, शायद आप लोग भी कुछ तो बोल सकते हैं, कर सकते हैं। अभी तक मैं कॉन्टेक्ट नहीं ले पा रही हूँ, मेरा फ़ोन भी वो लोग ले लिया है और मेरा गाड़ी भी है वो भी ले लिया है और मेरा जो गाड़ी था वो भी जला दिया है। प्लीज़ आप लोग कहीं भी हो, आप लोग हमको देखने से आप लोग मदद कीजिएगा, यही बोलना चाहती हूँ। बहुत दुख है, कब हम लोग को मतलब हेल्प करेंगे बोल के, यही सोच के सबको हम बताना चाहते, जितना भी इजराइल में है, भाई बहन दीदी लोग सब लोग होने से हमको सिर्फ हम लोग मणिपुर के लिए, मणिपुर का गांव में रहने के लिए हम लोग को इतना क्यों तकलीफ हो रहा है। हाँ हम लोग मणिपुर हैं, लेकिन मणिपुर में बैठने के लिए मना क्यों है, अपना घर छोड़ने के लिए, अभी जलाने के लिए हम लोग को भगा देने के, ये क्या है, ये क्या तरीका है। एक दिन में, एक रात में ऐसा हम लोग को निकाल दिया है वहाँ से, अपना जहाँ हम लोग पूर्व जन्म से हम लोग बैठा वहाँ पे से हमको निकाल के वो लोग भगा दिया, नहीं तो हम लोग वहीं पर रहने से थे। एक सेकेंड में हमको साथ हम लोग को जला दिया गया कि रेप करके या कि हमको जला के मार दिया होगा शायद उसी टाइम। प्लीज़ कोई होना चाहता हमको, हम लोग को मणिपुर में मदद कीजिए, जितना भी हिंदू लोग हैं, हमारा भाई भाई भैया दीदी भाई जब सब वहाँ पर हैं, उन लोग मदद कीजिएगा प्लीज़। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से। देख रहे हैं आपके आपकी आंखों में जो है आंसू हैं, और तो क्या नाम है? मेरा नाम सना है सर। मेरा नाम सना है, मैं मोरबुंग से हूँ, कांकुपी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली हूँ। और सभी सभी के दिल में ऐसा इच्छा है कि कब गवर्नमेंट हमारा मदद करेगा। और उस दिन की जब दीदी ये बता रही थी उस दिन की पूरी घटना, तो आप भी जो है आपकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ मैं भी हूँ। उस टाइम में बहुत बहुत सारे लोग थे, उस टाइम में हम लोग जो डिसेबल भी है, जिसके टांग कटे हुए हैं और उसके तो मेंटल भी है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, और कितना मुश्किल हुआ हम लोग को उस टाइम में। हम लोग कुकी बस्ती बोली से कांगपोखरी एरिया में जन्म हमारा बर्थ प्लेस है, तो उस टाइम ऐसा घटना होगा हम लोग को कभी उम्मीद भी नहीं थी। और अभी तक भी कभी कभी लगता है सपना है सर, कभी कभी सो के जागती हूँ तो लगता है सपना होगा तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कोई तो बच्चा को बच्चा हम लोग जब भाग रहे थे तब आवाज़ आने के डर से बच्चा का ऐसा मुंह दबाने वाला भी था, और कोई कोई तो हाँ और पूरा खुला था वो लोग एकदम से। हमें तो हम मोरबुंग में जन्मा है तो हमको थोड़ा कुकी भाषा भी आता है, तो हम कुकी के जैसा ड्रेस करके भागा था रात को। इस तरह से वहाँ से निकल पाए, बच पाए? हाफ पैंट पहन के, हम लोग मणिपुरी लड़की को हाफ पैंट कोई नहीं पहनता है, लेकिन उस टाइम में हमने हाफ पैंट लगाया और दो छोटे छोटे बच्चे ट्विंस है वो भी पीठ पे बांध के गया था, और कुकी लोग रास्ते पे था, तो हम लोगों ने कुकी भाषा में बात किया और बोला कि हम लोगों को हमारा घर हमारा दुकान है, तो सब मणिपुरी का घर जलाने के टाइम में हमारा दुकान भी जल गया, तो हमको अभी हमको वापस जाना है घर, तो इसलिए उन लोगों ने बोला अभी मत जाओ, वो भी नदी के रास्ते से, तो अभी मत जाओ, अभी हम लोगों का आदमी पूरा क्या बोलते हैं वो सारा हथियार लेके ड्यूटी में है, तो आप लोगों को मणिपुरी समझ के आप लोगों को मारेगा, आप लोगों को मार डालेगा, तो इसलिए आप लोग यहीं पर रुक जाओ बोला। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो कुकी भाषा बोल लिया, लेकिन छोटे बच्चे अगर मणिपुरी भाषा में मम्मा मुझे नींद आ गया ऐसा अगर कोई भी आवाज़ निकलेगा तो क्या होगा सोच के हम लोग को इतना डर, और ऐसा लगा कि वापस जाने के लिए भी वो लोग मान नहीं रहे थे, उन्हीं के पास रुकने के लिए बोल रहे थे।
तो हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बच्चा है नहीं, ये नहीं है, अंदर है, हगीस नहीं है कुछ, उसका वही कोई ज़रूरती का सामान कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को जाना पड़ेगा बोल के हम लोग गया। और उसके बाद में एक लोकल किसी का घर, नेपाली के घर में हम लोग छुपा, और छुपा तो उधर भी उन लोगों को खबर लग गया, खबर लग गया, और फ़ोन किया, कोई दोस्त ने फ़ोन किया, तो हम लोग इतना डर गया, और असम राइफल लोग आके हम लोगों को उस टाइम में पुलिस लोग और असम राइफल लोग वो लोग फ़ोन किया, कोई कोई है पता नहीं, उस टाइम में वो लोग पिकअप किया, और पिकअप किया, और उस टाइम से पैदल पैदल फिर हम लोग, वो लोग थोड़ा हम लोग को ड्रॉप किया और पैदल भाग किया या सर। और इतना मुश्किल सर, क्या बताएं, हम लोगों को खाने के लिए भी क्या बोलते हैं, बच्चा हम लोग तो वैसे ऐसे वैसे खा लेते हैं, लेकिन बच्चा नहीं खा पाता है, और डिसेबल माँ भी है, अभी अभी व्हील चेयर में भी है मेरा माँ, उसको उठा के भी नहीं चल पा रहा था, और वो ये देखो इतना कमज़ोर हो गया मेरा माँ भी, और ये पर्सनल का नहीं है, मेरा माँ डिसेबल है इसीलिए बोल रहा हूँ, और मेरे माँ जैसे सब है इधर में, बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों को देख के बहुत दर्द होता है सर। मैं सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम भी इंडियन हैं, और हाँ कोई कोई हमको चीन बुलाते हैं, क्या क्या बुलाते हैं, लेकिन हम इंडियन हैं सर, और उससे ज़रूरी बात हम इंसान हैं। और ये झगड़ा कौन शुरू किया, कहाँ से हुआ, ये हम लोगों को कुछ पता नहीं है, और इंसान है सर, चाहे कुकी हो चाहे मणिपुरी हो, कौन शुरू किया हमको पता नहीं, लेकिन इंसान है, इसीलिए कोई ना कोई तो गलती करके शुरू किया होगा, तो उसकी वजह से हम लोगों को इतना मुश्किल क्यों उठाना पड़ रहा है, हम लोगों का क्या कसूर है सर, ये मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, और उसको बताना चाहती हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमारे दिल में भी बहुत दर्द होता है सर, तो इंसानियत के लिए ही सही, हम लोगों के लिए भी थोड़ा मदद कीजिए। और एक प्रॉब्लम है, एक बार मैं बताना चाहती हूँ सर, सिर्फ एक पॉइंट, कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मैतेई लोग शुरू किया है, ये इंसिडेंट सबसे पहले चुराचांदपुर में हुआ है, और उसके बाद में कांगकोपी एरिया में, तो चुराचांदपुर में हम लोग मैतेई हैं, लेकिन मैतेई मणिपुरी बोलते हैं ना मैतेई को, तो मैतेई लोग चुराचांदपुर में 100 में 10% या 15% ही होगा, 80-90% तो कुकी है, तो उसमें 80% को 20% लोग कैसे झगड़ा करे, कैसे वो लोग शुरू करेगा। और मोडबुंग कांगपोकपी कालाफार वो कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में भी वैसे ही है, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ 10% ही होगा मैतेई लोग, तो हम लोग क्या झगड़ा शुरू करेंगे सर। बहुत हम लोग जन्म से हम बता सकते हैं, जन्म से उन लोगों के नीचे, उन लोगों के पावर में दबा है हम लोग, कभी हम लोगों का हक भी नहीं मिला है। मैं अभी नेशनल टीवी में बोल रहा हूँ, अभी मुझे डर नहीं है, पहले बहुत डरती थी, जब मैं मोरबुंग में थी बहुत डरती थी, उन लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलना मना था, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ भी एक इंसान एक इंसान को क्या मिलना चाहिए, वो हमारा राइट, हाँ 100 में 10-15% मिला होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमको नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग उन लोगों के नीचे दबा रहते हैं। और कुछ भी हम भी खाना खाते हैं, थोड़ा समझ तो आता है हमको भी, तो अस ये गलत है, हमको समझ में आता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं सर, इतना उन लोगों का दबाव है हमारे ऊपर, तो हम लोग इतना कमज़ोर थे, तो हम क्या शुरू करेंगे सर। मैं ये बताना चाहती हूँ सब भारत सरकार को भी, और पब्लिक सब भारतीय जनता को भी मैं बताना चाहती हूँ, हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, और हम बहुत इनोसेंट हैं, हमको कुछ नहीं पता, हमारा मदद कीजिए। क्या नाम है आपका? सनातुम्मा। कहाँ रहने वाले हो? कांगपोकपी का। तो उस दिन क्या हुआ था, इंसिडेंट ऐसा क्या हुआ था? उस दिन मतलब है कोकी मिलिटेंट जो है, कोकी आतंकवादी, ये लोग ने हम लोग को जो डिस्टर्ब किया है थोड़ा। किस तरह के ड्रेस पहने हुए थे? मतलब वो लोग ड्रेस है ब्लैक ड्रेस, आर्मी का ड्रेस ब्लैक ड्रेस दोनों मिक्स करके पहना हुआ है लोग, और फिर हम लोग को सब बकाया कोई आग जला दिया। बज रहा था जब वो पूरी घटना घटी थी? मतलब 6-7 बजे का आसपास में, शाम को। हाँ जी, उस वक्त से हम लोग भागना शुरू कर दिया, आदमी लोग, हमारा बच्चा लोग, बेबी लोग, बहन लोग, माँ लोग, सब डर के, तो
तो हम लोग के पास तो कुछ उनका तो गोली चला हुआ है, हम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं है। तो अभी भी उनको सामने है, अभी भी वो लोग भी अभी भी चल रहा होगा, अभी ब्लाइंड फायर से ऐसा चल रहा है। और रास्ता में भी फिर भागे, हाँ भागना पड़े क्यों, हम लोग के पास हथियार नहीं। कहाँ भागे? भाग रहे सीधा आया हम लोग सेंगमाई तक आया, सेंगमाई से हम लोग वहाँ पे एक दिन रह के फिर रात को फिर उसी वक्त हम लोग यहाँ पे अपना अपना घर कहीं कहीं में जुड़ के बैठा हुआ है। आप लोग घर में कितने लोग थे, कितने घरों जला गया था आपका? हमारा गांव में बहुत घर जला दिया है, कम से कम 10-15 जैसा जला दिया। कोई कैजुअल्टी, कोई किसी को डेथ? हाँ जी, किसी को डेथ हुई? कोई डेथ तो नहीं हुआ कोई भी, भाग गए। हाँ वहाँ पे मतलब ऐसे कोई फौजी कैंप में भागा, कोई पुलिस स्टेशन में भागा, कोई नागा का घर में भागा, तो हम लोग ऐसे मिलकर सब नागा बस्ती लोग हम लोग को थोड़ा हेल्प किया है। तो नागा और कुकीज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था? अभी उसी टाइम में तो कुछ भी नहीं है, अभी तक तो पता नहीं, उसी टाइम में तो हम लोग को बचाया नागा लोग थोड़ा बहुत। नागा लोग बचाया? हाँ। घर की याद आती है? हाँ, घर वहाँ दिल्ली विलेज बोलता है उनके गाँव का नाम, तो कलापार। कौन था? हमारा गाँव है, हमारा लेंग दबकुन बोलता है, लेंग दबकुन कामोपी। घर की याद आती है? हाँ, घर मतलब मीन्स घर की याद आती है। हाँ, घर के क्यों याद नहीं आएगा, अभी भी हम जा सकते हैं वहाँ पे, जाने का दिल कर रहा है। हाँ, अभी भी वहाँ पे अपना घर तो क्यों छोड़ना है, यहाँ पे ऐसे रहने का, हम दाल खा के थोड़ी बैठना है, हमको वहाँ पे अपने घर में बैठने का दिल कर रहा है, नहीं तो हमको दिल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि अपना यहाँ पे मतलब जो क्लाइमेट सही नहीं लग रहा है। देखिए इनके जो है आँखों में आपको आंसू, इनके आँखों आंसू दिख रहे हैं। मैंने जब पूछा कि क्या आपको घर की याद आती है, तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसको अपने घर की याद आती नहीं होगी। क्यों हम अपने घर क्यों याद नहीं आएगा भाई, इसके लिए तो हम आपकी आँखों में आंसू आ गए। हाँ, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा है, छोड़ने का दिल नहीं करता अभी तक भी। बिल्कुल नहीं, सरकार घर बनवा दी तो वापस चले जाएंगे? चला जाएंगी, क्यों नहीं, सरकार जो हम लोग को हेल्प करेगा तो हम पक्का चला जाएगा। हाँ, फिर से क्या आपका जो रिलेशनशिप है कुकीज कम्युनिटी के लोगों से, फिर से उसी तरीके से हो पाएगा रिश्ता दोस्ती? पहले का जैसा नहीं होगा भी, कुकली मिले जो कुकी का जो सपोर्ट है, जो मांगता है उनको तो बकाना जरूरी है, उनका जो हेल्प मांगता है उनको ना, हमारा आर्मी इंडियन आर्मी लोग मदद कर रहा है ना, उसके लिए तो हम बहुत दिल अच्छा नहीं लग रहा है। जो इंडियन फोर्स है, तो एसएनएफ वालों ना कोई भी हो ना, उनके लिए जो हमारा यहाँ पे जो उनको भगाने के लिए हम कोशिश करेगा, कोकी नहीं एसएनएफ को मेन नाराज है आप लोग? हाँ नाराज, क्योंकि अपने आदमी को उन हमारा घर का सामने सामने वो ड्यूटी करते है, हमारे घर को क्यों आग जला रहा है? आपने बोला कि असम राइफल्स के जवान जो है घर के सामने खड़े थे, लेकिन अपना यहाँ का अपना यहाँ का अपना स्टेट का भी अपना फौजी बोर्ड है उसमें भी, फिर भी उनको नहीं मानता मैं, क्यों मानेगा, मतलब अपना वो सामने सामने अपना बहन लोग को भाई लोग को सामने घर जला रहा है, उसमें वो खड़ा आ रहा है, उन तो कुकी मिलिटेंट आ रहा है उसमें, फिर भी उन वो सामने उसको आग जलाने दे रहा है, वो गोली नहीं चला रहा है, तो उसका क्या फौजी का मतलब क्या हुआ? इसमें हमको कोई पसंद नहीं है, इसका मतलब हम लोग को रखवाड़ नहीं है, वो लोग वो कुकी का हेल्प कर रहा है, बर्मा से जो आर्मी आ रहा है उनका हेल्प कर रहा है, इसके लिए हमको अच्छा नहीं लगा सर। बर्मा के आदमी को हेल्प क्यों करेगा सामने फोर्स ना, वो तो आपके सुरक्षा के लिए, कोई आतंकवादी का हेल्प थोड़ी करेगा सिक्योरिटी फोर्स कर रहा है, क्योंकि उनके कैम्प में साथ में वो साथ में भी कैम्प का साथ में भी वो मिला हुआ रह के उनका फोटो भी है मेरे पास, लेकिन अभी मोबाइल नहीं लेके आया। उनका जो कैम्प है, जो वो लोग जो उनके कैम्प में जो है वो उनका पास जो क्या कर रहा है, उनका जो बंदूक का गोली में जो उनके मैगजीन में जो डला हुआ है, जो उनके सामने जो फौजी लोग सामने कितना गोली है कितना चला रहा है वो सब देख रहा है वो लोग, उसका भी हमारे पास फोटो है। फोटो है लेकिन अभी नहीं है, तो मिलेगा। अभी मिलेगा, फिर दूसरा हफ्ता में आएगा तो पक्का मिलेगा, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया, कहाँ जरूर मिलेगा सर, लेकिन हमको बहुत पसंद नहीं है ये जो क्या बोलते हैं, ये इसको निकालना है, आपको शू को निकाल देना है बस, इसको जो शू है ना ये इसको निकाल देगा तो हम लोग इंजन में रहेगा, नहीं तो हम लोग कोशिश करेगा हम लोग को। हाँ अपना बनाएगा, बनाएगा देख लेगा कैसा होगा वो पता नहीं, लड़ाई करके
ये तो पता नहीं कैसा होगा, वो दिखाएगा क्योंकि वो बाहर का देश का आदमी आया हुआ है, उनको जो अपने अपना देश का आदमी को अपना देश का इंडिया मन रहा है, आपकी अपना देश का आदमी नहीं मन रहा है तो आपके गुस्से को मैं समझ रहा हूँ। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के लोग ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का आदमी है तो इंडिया का आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो दूसरे कंट्री से जो आया है रिफ्यूजी जो आया अपना जो ब्रिटिश लड़ाई में जो उन लोग को लेके आया है उनको मदद कर रहा है तो इसके लिए तो इंडिया का आदमी को मदद नहीं कर रहा है तो बाहर का क्यों मदद कर रहा है? नहीं मदद करेगा अगर ऐसा कुछ है तो आतंकवादी को मदद कर रहा है। अगर ऐसा है अगर जो भी उसमें फोर्सेस जो भी उसमें पर्सन इन्वॉल्व है उनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिले तो मोदी सरकार भी बोल रहा है, मोदी सरकार इतना 78 देश का दिन का बांट गए तो इतना दिन का कुकी का दो दिन का प्रॉब्लम हुआ उसमें थोड़ा मिस्टेक से कुछ प्रॉब्लम से जुड़ मुड़ कोई हो सही हो वो लोग भी भेज दिया, उसके बाद में तो बात करना शुरू कर दिया। उसका आगे क्या हुआ जब शुरू डेट्री का अंदर में शुरू किया है उसी टाइम तो कुछ भी नहीं बोला अभी तक, 3 महीने के बाद में वो बोला है तो उसका क्या हो? क्या सरकार हुआ? आप एक बार जवाब दो। ये जो जो इनका सवाल है अगर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं अगर ये सुनते हों तो आप उनको इनका साथ पब्लिकली या फिर किसी और तरीके से जवाब जरूर देना चाहिए। ये आवाज़ जो है किसी डिप्लोमेट से या फिर किसी थिंक टैंक की नहीं है, ये जो आवाज़ है ये हमारी नहीं है, ये आवाज़ एक आम आदमी एक आम मणिपुरी आदमी की आवाज़ है जिसकी जो सवाल है उसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो जो आपके सवाल है वो सवाल हमने जो पूछ दिए हैं तो आप पक्का न्यूज में सबके सामने हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के अंदर में सब दिखा देना प्लीज रिक्वेस्ट करके जरूर दिखाएंगे। हम भी आपसे जो है हम भी दिखा दो लेकिन हम भी दिल्ली बम्बई में हम भी आपके लिए ही हम आए हैं तो हम भी बहुत गरीब आदमी है फिर भी अपना घर जलाएगा दीदी लोग का घर जलाएगा भाई लोग का घर जलाएगा तो हमको भी बहुत दिल दुखेगा। क्यों नहीं दुखेगा सर? संपत्ति तो बच्चा लोग नदी नदी में दौड़ के आएगा तो आपको पसंद लगेगा? तो उसमें बाई चांस कोई नल्ला में गिरेगा कोई नदी के अंदर घुस जाएगा वो गिरेगा तो क्या होगा सर? तो उसके लिए आप लोग भी थोड़ा से सोच के अपना जो हिंदुस्तान में जो रहता है उनको आप सवाल कर दीजिए एक बार। आपके सवाल वैसे ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।